हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का आरसीआई डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हमने आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास के अंदर एक टॉपिक शुरू किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर इसी को बोल सकते हैं सरल रेखीय गति। तो इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि दूरी तथा विस्थापन क्या क्या होते हैं, या फिर दूरी और विस्थापन के अंदर क्या अंतर होता है। और उसी का अगला पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आता है अपने पास में नेक्स्ट पार्ट के अंदर आता है चाल, स्पीड, चाल, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड के किसी भी पिंड की चाल किसे कहा जाता है, व्हाट इज द स्पीड। तो चाल क्या होती है? हमने देखा था कि जब कोई पिंड गति के अंदर होता है तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करता है। तो इसी के आधार पर हम चाल क्या लिखते हैं, चाल होती है अपने पास में दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है, या फिर ये लिख सकते हैं अथवा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसलिए चाल बराबर क्या लिख सकते हैं हम, चाल बराबर बन जाएगा अपने पास में दूरी बटे समय। कि जब कोई पिंड चल रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा, उसकी चाल कहलाता है। तो चाल बराबर होता है अपने पास में दूरी बटे समय। अगली चीज आती है इसी के अंदर कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है। तो हमें पता है दूरी जो है, दूरी क्या है अपने पास में, दूरी को हम मापते किसके अंदर, मीटर के अंदर। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो दूरी का मात्रक क्या बन जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर है, तो चाल का मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। विमा क्या होती है इसकी, तो विमा क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी इसकी, हमें पता है इसके अंदर द्रव्यमान तो कुछ है नहीं, केवल क्या है, दूरी है। तो दूरी के लिए विमा होती है ये, और समय के लिए बन जाएगी अपने पास में टी माइनस वन। तो इसकी विमा क्या लिखी जाएगी, विमा बन जाएगी इसकी एफ जीरो एल वन टी माइनस वन। अगली चीज आती है ये राशि कौन सी होती है, राशि कौन सी होती है। राशि का मतलब है जो चाल है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, या फिर इसी को बोल सकते हैं अदिश या सदिश राशि है। तो दूरी क्या थी अपने पास में, दूरी थी अपने पास में एक अदिश राशि, और चाल ही वैसे क्या बन जाएगी, एक अदिश राशि, अर्थात जो चाल है वो एक अदिश राशि कहलाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर, ये है कि जैसे हमने पढ़ा था जो दूरी होती है, दूरी जो है कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। तो उसी प्रकार जो चाल है वो भी क्या नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। या हम लिखेंगे इसको कि जो चाल है, चाल कभी भी शून्य या ऋणात्मक, शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि है, और अदिश राशि हमें पता है, अदिश राशि को हम क्या नहीं लिख सकते, ऋणात्मक नहीं लेते। अदिश राशि क्या होती है, धनात्मक राशि हो सकती है, लेकिन शून्य या ऋणात्मक राशि ये नहीं होगी। जो चाल है वो कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये तो था इसका थ्योरेटिकल जो पॉइंट है कि चाल होती क्या है, उसका मात्रक क्या होगा, उसकी विमा क्या होगी, या फिर ये कौन सी राशि होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसी के अंदर अपने पास में कि जो चाल है, चाल कितने प्रकार की होती है। जब भी कोई पिंड चलता है कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, और वो उसको चलने में, दूरी तय करने में समय भी व्यय करेगा, समय भी लेगा। तो उसके आधार पर जो चाल है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले
सबसे पहली जो चाल आती है अपने पास में, जब इसके प्रकार देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं, तो सबसे पहला आता है अपने पास में एक समान चाल, एक समान चाल, या फिर इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल क्या होती है? तो एक समान चाल, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जब भी कोई पिंड चलेगा तो वो क्या करेगा, जब कोई पिंड समान समय अंतराल के अंदर, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है समान समय अंतराल के अंदर, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। अर्थात जब भी कोई पिंड गति की अवस्था में है तो उसके द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया जो समय है, समय अंतराल, वो समान है। जैसे मैं ये कह दूं कि कोई पिंड एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इसका मतलब आधे घंटे मतलब 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करी। एक मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करी। मतलब समान समय अंतराल के अंदर वो समान दूरी तय करता चल रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई पिंड है गति की अवस्था में और वो 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर की दूरी तय करता है, अगले 1 सेकंड के अंदर फिर वो 1 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो। तो इस प्रकार से ये जो चाल है वो क्या है, समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय कर रहा है, तो ये चाल क्या कहलाएगी, उसकी एक समान चाल कहलाती है। अगला आता है अपने पास में असमान चाल। असमान चाल क्या होती है? एक समान चाल तो हमने देखा, एक समान चाल कब होती है, समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करना। अब बात आती है असमान चाल की। असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड असमान चाल। तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि जब हम चलते हैं या फिर मान लो हम गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं, तो हमें पता है रास्ते के अंदर हाईवे भी आएगा, ब्रेकर भी आएंगे, उबड़ खाबड़ रोड भी आएगा, या फिर ये हो सकता है मार्केट भी आएगा वहां पे। तो हमारी जो चाल है वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। मार्केट के अंदर होंगे तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाईवे के ऊपर होंगे तो हमारी चाल बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी या असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। जैसे मान लो कोई पिंड है वो गति की अवस्था में है और वो 1 सेकंड के अंदर तो 1 मीटर की दूरी तय कर लेता है, लेकिन अगले 1 सेकंड के अंदर मान लो वो कोई मार्केट में आ गया और वो कितनी दूरी तय करता है, वो केवल
आधा मीटर की दूरी तय कर पाता है या कुछ सेंटीमीटर की दूरी तय कर पाता है, तो ये चाल क्या होगी उसकी, असमान चाल होगी। समय तो समान, समय अंतराल हो गया उसका, लेकिन जो दूरी तय करी उसने अलग अलग तय करी है। जैसे मान लो कोई पिंड था, वो एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन उसने पहले आधे घंटे में जो दूरी तय करी वो दूरी तय करी इसने मान लो अपने पास में 40 किलोमीटर, और दूसरे आधे घंटे में इसने जो दूरी तय करी है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये असमान चाल होगी कि उसकी जो चाल है कभी तो ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो इस चाल को हम क्या बोलेंगे, इस चाल को बोलेंगे असमान चाल। अगला प्रकार आता है अपने पास में औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है? तो औसत चाल क्या होगी बच्चों, औसत चाल होती है कि जब भी कोई पिंड चलता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो उसने कुल समय लिया, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है किसी भी पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया जो समय है वो क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाती है। कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान लो हम इसको औसत चाल को मैं ऐसे लिख देता हूं, कुल दूरी को डी से डिनोट कर लिया, कुल समय को टी से डिनोट कर लिया, तो ये अपने पास में फॉर्मूला बनता है किसका, औसत चाल का। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या निकालते हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर इसके अलग अलग टाइप बन जाते हैं। जैसे देखो पहला मान लो ये दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि कोई पिंड गति की अवस्था में है। अब वो गति की अवस्था में है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो ये बोल दिया जाए कि पिंड ने जो d1 दूरी तय करी है, पिंड के द्वारा जो d1 दूरी तय करी गई वो तो तय करी गई है t1 समय में, और इसी प्रकार d2 दूरी जो तय करी उसने वो t2 समय अंतराल के अंदर तय करी है। तो इस पिंड की औसत चाल कितनी होगी, d1 दूरी तय करी t1 समय में, d2 दूरी तय करी है t2 समय में, तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। तो हमें पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसके अंदर तो हमें क्या दे दिया, इसके अंदर हमें दे रखा है ये दूरी इतनी t1 समय में तय करी है, t2 दूरी t2 समय में तय करी है, तो इसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी d1 प्लस d2, और कुल समय तो यहाँ पे t1 और t2 है, t1 प्लस t2, तो ये क्या बन गया, ये बन गई इसकी औसत चाल। जब हमारे पास में क्या गिवन हो, जब हमारे पास में दिया हो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय, तो एक फॉर्मूला तो बन जाता है अपने पास में d1 प्लस d2 प्लस d3 जो भी दे रखा है हमें, वो सारा टोटल दूरी ले लेंगे, उसकी कुल दूरी ले लेंगे बटे कुल समय ले लेंगे, तो वो बन जाएगी उसकी औसत चाल। दूसरा प्रकार आता है इसी के अंदर कि इसकी जगह पे, जैसे इसके अंदर तो हमें गिवन था कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी इतनी है, कुल समय इतना है, लेकिन दूसरे कंडीशन के अंदर ये दे दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि कोई पिंड चलता है और वो t1 समय s1 चाल से चलता है, s1 चाल से चलता है, तथा t2 समय s2 चाल से चलता है, t2 समय s2 चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे औसत चाल देखो हमें पता है औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, समय दे दिया और उसकी चाल दे दी। तो हमें पता है दूरी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।
और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, दूरी नहीं है, चाल दे रखी है, समय दे रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल गुना समय, अर्थात यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। डी वन दूरी निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, S1 को इससे T1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया S1 into T1, ये होगी D1 दूरी। ऐसे ही D2 दूरी, तो D2 दूरी क्या हो जाएगी, S2 into T2, तो ये क्या बन गई, ये बन गई अपने पास में कुल दूरी। अब कुल दूरी आ गई तो औसत चाल हम निकाल सकते हैं, औसत चाल कितनी हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी है, D1 plus D2 upon T1 plus T2 कुल समय। अब D1 की वैल्यू कितनी है, तो D1 की वैल्यू S1 into T1, S1 into T1 plus S2 into T2 upon T1 plus T2, तो ये क्या बन गया अपने पास में, औसत चाल बन गई। कब, जब हमारे पास में क्या गिवन हो, चाल दे रखी हो और समय दे रखा हो। अब तीसरा फॉर्मूला इसी के अंदर से देखो, इसी के अंदर एक तो कंडीशन ये थी कि हमारे पास में T1 समय में S1 चाल से चलता है, T2 समय में S2 चाल से चलता है, लेकिन इसी के अंदर ये दे दिया जाए कि कोई पिंड है वो समान समय अंतराल के अंदर, दो समान समय अंतराल है जिसके अंदर वो अलग अलग चाल से चलता है। जैसे ये बोल दिया जाए कि कोई पिंड है वो ए से बी पर चलता है, ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है, और ए से बी पर जाने में उसको जो समय लगता है वो एक घंटे का लगता है, लेकिन इस एक घंटे में आधे घंटे वो S1 चाल से चलता है और अगले आधे घंटे S2 चाल से चलता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो समय है वो क्या दे रखा है, हमें समान दे रखा है। अब समान समय के अंदर वो अलग अलग चाल से चलता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, समान समय अंतराल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो टी टाइम है तो ये भी क्या हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा। अब इसी के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी अपने पास में औसत चाल बराबर S1 into T plus S2 into T upon T plus T, तो ये कितना हो जाएगा, T यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन गया, S1 plus S2 upon 2T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो औसत चाल कितनी होगी, S1 plus S2 upon 2। एक फॉर्मूला ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, S1 plus S2 upon 2। और ये कब होगा, ये जब होगा जब हमारे पास में जो समय अंतराल दे रखा है वो समान समय अंतराल दे रखा है लेकिन जो चाल है वो दोनों में अलग अलग है। अगला देखिए, नेक्स्ट इसी के अंदर दे रखा हो, मान लो हमें इसके अंदर हमें ये दे दिया जाए कि कोई पिंड है वो D1 दूरी तय करता है, D1 दूरी तय करता है S1 चाल से, S1 चाल से, इसी प्रकार D2 दूरी तय करता है, D2 दूरी तय करता है S2 चाल से, S2 चाल से, तो पिंड की औसत चाल कितनी है। तो देखो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, हमें क्या नहीं दिया, इसके अंदर समय नहीं दिया। तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं, जैसे मैं इसी को ऐसे लिख लूं, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे टाइम निकाल सकते हैं, कैसे, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, या फिर यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, T1 तो कितना बन जाएगा D1 upon S1, ऐसे ही T2 कितना बन जाएगा, T2 बन जाएगा D2 upon S2। तो ये क्या निकल आया अपने पास में, ये आ गया अपने पास में टाइम। अब टाइम आ गया तो क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, औसत चाल होती है अपने पास में कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है, D1 ये है, D2 ये है, तो कुल दूरी बन गई D1 plus D2, और कुल समय कितना हो गया, तो कुल समय हमने यहां से निकाला है T1 और ये T2, तो ये हो गया T1 plus
टी टू, तो ये कितना बन जाएगा डी वन प्लस डी टू अपोन टी वन की वैल्यू कितनी है, टी वन की वैल्यू दे रखी है डी वन अपोन एस वन प्लस डी टू अपोन एस टू। ठीक, तो ये फॉर्मूला इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब इसी को नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एस वन एस टू एलसीएम आ जाएंगे, ये बन जाएगा अपने पास में डी वन एस टू और ये हो जाएगा अपने पास में डी टू एस वन। अब इसको लिख सकते हैं कितना डी वन प्लस डी टू इन टू ये ऊपर आ जाएगा एस वन एस टू अपोन डी वन एस टू प्लस डी टू एस वन, एक ये फॉर्मूला बन गया इसका। कब, जब हमारे पास में गिवन हो कि D1 दूरी तय कर रहा है S1 चाल से, D2 दूरी तय करता है S2 चाल से, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इसी के अंदर एक और चीज निकल के आती है, कैसे कि जब हमारे पास में ये दे दिया जाए कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो समान है, मतलब ये बोल दिया जाए कि कोई बच्चा है वो अपने घर से स्कूल जाता है, मान लो यहाँ पे ए बिंदु पे उसका घर है और बी बिंदु पर उसका स्कूल है, ए से बी तक, मतलब वो अपने घर से स्कूल जाता है वो S1 चाल से, S1 चाल से और स्कूल से वापस घर आता है S2 चाल से, अर्थात स्कूल से घर जाए या घर से स्कूल जाए उसके द्वारा तय की गई दूरी तो समान है लेकिन जो चाल है वो उसकी क्या है अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर आगे करेंगे। तो इसी फॉर्मूले के अंदर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये देखो इस कंडीशन के अंदर ये जो फॉर्मूला इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हमें पता है डी वन और डी टू दोनों क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं, वो यहाँ से यहाँ पे गया इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने और वापिस यहाँ से यहाँ पर आया उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो D1 और D2 क्या है यहाँ पे D1 और D2 इक्वल हैं, तो D1 और D2 इक्वल होंगे तो ये क्या बन जाएगा 2D into S1 S2 अपॉन यहाँ पे भी D और D हो जाएगा तो D कॉमन आ जाएगा, तो D कॉमन आने के बाद में क्या बचेगा S1 plus S2, तो D से D कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बन गया 2S1 S2 अपॉन S1 plus S2। ठीक, तो ये क्या बन गया अपने पास में एक फॉर्मूला ये आ गया, कब, जब हमारे पास में दूरी तो समान दे रखी है लेकिन उसकी जो चाल है वो अलग अलग दे रखी है, या फिर इसी के अंदर ये बोल सकता है जैसे ये मान लो ये हमारे पास में एक दूरी है निश्चित दूरी है ए से बी बिंदु तक, अब इसमें ये बोल दे कि अपनी यात्रा के दौरान वो आधी दूरी तय करता है S1 चाल से और अगली आधी दूरी तय करता है S2 चाल से, तो इसके अंदर आधी दूरी ये होगी आधी ये होगी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं मान लो ये कुल दूरी है अपने पास में 2d, तो ये कितना बन जाएगा ये भी d बन जाएगा ये भी d बन जाएगा, तो इस तरह से ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई बराबर हो गई, अब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी चाल अलग अलग है, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला कौन सा बन गया अपने पास में ये हो गया 2s1 s2 upon s1 plus s2। नेक्स्ट आता है अपने पास में ये तो थी औसत चाल, जब हमारे पास में कुल दूरी कुल समय दे रखा हो उस कंडीशन के अंदर औसत चाल होती है अपने पास में ये। नेक्स्ट आती है अपने पास में तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तो देखो बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है तात्क्षणिक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर क्षण पर पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो चाल होगी वो उसकी क्या कहलाएगी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि किसी भी क्षण पर पिंड की चाल, किसी भी क्षण पर पिंड की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है, कहलाती है, किसी भी एक क्षण के ऊपर पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो चाल होगी वो उसकी क्या कहलाएगी तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जैसे मान लो कोई पिंड चल रहा है,
जैसे मान लो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उस टाइम जो टाइम है वो 4 बजे, और उस टाइम के ऊपर हम गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर हम देखते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हमें शो करता है उसका स्पीडोमीटर। तो उस क्षण के ऊपर ये हो गया एक पर्टिकुलर क्षण, और उस क्षण के ऊपर ये होगी उसकी क्या चाल, उसकी स्पीड। तो इस क्षण के ऊपर ये जो चाल है यही क्या है, इसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अब तात्क्षणिक चाल के लिए क्षणिक पर्टिकुलर क्षण के ऊपर पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर हमें पता है जब हमारे पास में जो टाइम है वो बहुत छोटा दे दिया जाए, तो बहुत छोटा देने पर हम टाइम को कैसे लिखते हैं, टाइम को हमने देखा है बहुत छोटा जो टाइम होगा वो dt से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार जो तात्क्षणिक चाल है, तात्क्षणिक जो चाल है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाएगा एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो चाल होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये थे अपने पास में चाल होती क्या है और चाल के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन पहले कि औसत चाल निकालनी हो, तात्क्षणिक चाल निकालनी हो, या फिर हमें कुछ ये दे दिया जाए, जैसे मान लो ये लिख दिया जाए कि किसी भी पिंड के द्वारा विस्थापन जो समीकरण है, सपोज दैट ये दे दिया कि किसी भी पिंड का जो विस्थापन समीकरण है वो ये है। अब इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पिंड की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। पहला जो क्वेश्चन है वो ये दिया है कि पिंड की प्रारंभिक चाल कितनी है, यदि उसका विस्थापन समीकरण ये है तो उसकी प्रारंभिक चाल कितनी होगी, तो प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है। दूसरा इसी के अंदर हमें दे दिया जाए कि प्रारंभिक चाल कितनी है, दूसरा हमें दे दिया जाए कि t = 0 से t = या फिर ये कर ले कि t = 4 सेकंड पर उसकी चाल क्या है। एक क्वेश्चन दिया है प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है, दूसरा क्वेश्चन दिया है t = 4 सेकंड पर उसकी चाल कितनी है। तो देखो ये हमें क्या दिया है, ये दिया है विस्थापन समीकरण, और विस्थापन समीकरण हमें दिया है तो इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रारंभिक चाल निकालनी है। प्रारंभिक चाल कैसे निकालेंगे, तो प्रारंभिक चाल क्या होता है अपने पास में, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी में परिवर्तन की दर, जो दूरी में परिवर्तन हुआ वो। तो इसके अकॉर्डिंग चाल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चाल निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें चाल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में d/dt 4t² + 5t - 6। इसके अंदर जो विस्थापन समीकरण था वो हमने रख दिया। अब इसका अवकलन करने के बाद में हमारे पास में जो इक्वेशन बनती है वो क्या बन जाएगी, at + 5। ये क्या आ गई, इसकी चाल का समीकरण बन गया अपने पास में, कि इसकी चाल का समीकरण क्या है। अब इसकी चाल का समीकरण ये है, तो चाल के समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रारंभिक चाल और t = 4 सेकंड पर इसकी जो चाल है वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा है प्रारंभिक चाल। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जब प्रारंभिक चाल पूछी जाए, प्रारंभिक त्वरण पूछा जाए, प्रारंभिक चाल पूछ रहा है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, प्रारंभिक चाल का मतलब हो गया t = 0 सेकंड पर उसकी चाल कितनी है वो पूछ रहा है। अब t = 0 सेकंड पर उसकी चाल निकालेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो क्या बन जाएगा, v = ये हमें पता है ये कितना है, 8 × 0 + 5। तो v = कितना बन गया, ये 0 हो गया, ये 5 बच गया, तो 5 m/s। ये तो है इसकी क्या, प्रारंभिक चाल। ठीक, दूसरा पूछा है हमें t = 4 सेकंड पर उसकी चाल कितनी है, तो हमें t की वैल्यू दे दी, हमें अब t की वैल्यू दे दी तो हमें पता है
इक्वेशन जो है अपने पास में चाल की जो समीकरण है वो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम टी की वैल्यू रखें तो इसकी टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर इसकी चाल कितनी बन जाएगी, वी इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 5, 32 प्लस 5 इज इक्वल टू 37 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगी इसकी टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। तो ये होता है अपने पास में प्रारंभिक चाल कैसे निकालते हैं, तो प्रारंभिक चाल के लिए होता है हमेशा t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर वो पूछता है, और दूसरा किसी भी टाइम के ऊपर पूछता है तो किसी भी टाइम के ऊपर हमें पहले उसकी इक्वेशन ज्ञात करनी होगी। यदि इक्वेशन दिया है तो ठीक है, यदि हमारे पास में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिलता है हमें, वी मिलता है। अब वी मिलेगा मतलब उसकी चाल का समीकरण मिल जाएगा, और चाल का समीकरण मिलेगा तो उसमें क्या रखेंगे, उसमें जो भी टी की वैल्यू दे रखी है वो रखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये क्या था अपने पास में, ये थी अपने पास में चाल कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, वेग क्या होता है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वेग क्या होता है।